दोस्तों अपनी अभी बस चेंज हो चुकी है और अपन उधर से इंदौर आए थे, लगभग 80 रुपये इसका टिकट था और बस चेंज कर दिया। अब इंदौर से वापस जा रहे हैं अपन उकर्ष के लिए और पूरा वहाँ पर देखेंगे कितने बजे पहुँचते। लगभग बोल तो रही है 12 बजे तक पहुँचेंगे, 12-12:30 तक। और अपना ये सेकंड लुक चल रहा है, सेकंड ज्योतिर्लिंग अपना, और पूरे 12 कंप्लीट करने अभी आ चुके अपनों को, तो लास्ट तक वीडियो बना रही है। और फिलहाल अपनी बस से बैठे हुए हैं, बस पूरी, ये पूरा बस का सीन है। अंकल जी कैसे हो, कैसे हो? बढ़िया अंकल जी, मस्त। नए तो मेरे नए आदमी को, सो लास्ट तक वीडियो बना रही है और बहुत सारा मजा आएगा अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग पर, डेली ट्रैवल ब्लॉग। शाम को 7 बजे अपन रोज मिल ही रहे, तो लास्ट तक वीडियो बना रही है। शानदार लोकेशन पर, यहाँ पर अभी अपन चाय नाश्ता के लिए रुके हैं। उकर्ष रास्ते में जा रहे थे अपन, तो पीछे लोकेशन देख सकते हो, पूरी शानदार लोकेशन है। और इधर की लोकेशन भी आपको बताता हूँ, मैं आपको अपना चल रहा है सेकंड ज्योतिर्लिंग चल रहा है। और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी नाश्ता तो किया मैंने भी। और देखते पूरी लोकेशन, पीछे की लोकेशन आप देख सकते हो, और इधर पूरा ये इधर लोकेशन। सो अब जो मैं पीछे देख रहा हूँ, इस बस में अपन आए थे इंदौर से उकर्ष के लिए, नहीं निकले थे अपन। वो इसका जो किराया है वो लगभग 140 रुपये पर व्यक्ति का किराया है। और इसका ये जो अपनी मेरे जो बस है, ये बस या जो आप पीछे देख रहे हो, ये बस अपन को मिली थी 9:30 बजे इंदौर से मिली थी, और 12:30 बजे 1 बजे तक पहुँचाएगी अपन को। और शाम का सीन पता नहीं, फिक्स अभी नहीं है, और देखते हैं पूरा शाम का क्या सीन होता है। दोस्तों फिलहाल गाड़ी खराब हो चुकी है, पीछे आप देख सकते हो, और खड़े रास्ते में अभी लगभग बज रही है 12:30। गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है उकर्ष पर, और मेरा पीछे का सामने का व्यू बहुत तगड़ा हो रहा है। व्यू बहुत शानदार हो रहा है, और देखते हैं आज पूरा दिन कैसे यहाँ निकलता है। फिलहाल तो गाड़ी खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, तो देखते हैं सही हो जाए तो फिर चलते हैं उकर्ष पर। तो ये है मेरे सामने का व्यू, एकदम फॉग भरी है पूरी जन्नत। और इधर ढाबा एंड बच्चा बाल्टी, और ये बाइक बस खराब हो गई। सो दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके हैं उकर्षेश्वर मंदिर। पीछे बस ने हमें उतार दिया अपन को मेन गेट के यहाँ पर, और जैसे अपन जा रहे हैं चलकर, चाहो तो यहाँ से आप टेम्पो में भी जा सकते हो, पर मेरे को आपको एक बार वीडियो बनाना था, तो मैं थोड़ा सा चल के जा रहा हूँ। फिर अभी इस टेम्पो में बैठेंगे अपन, और अभी लगभग बज रही है 1:20 हो रहे हैं, और अपन पहुँच चुके हैं उकर्षेश्वर टेम्पल। पूरा शाम तक अपन यहीं पे हैं, और देखते हैं यहाँ पर रात को रहना है या वापस इंदौर के लिए निकलना है, तो अभी कोई फिक्स नहीं है। जाते हैं एक बार दर्शन करते हैं, दर्शन हो गए तो फिर शायद निकल सकते हैं, बाकी यहीं पर रहेंगे अपन रात को। तो लास्ट तक वीडियो बन रही आप, और जिससे आपने किया तो सबसे जरूर कर लिए। थक चुका हूँ पूरा, एक ही दिन में 2 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए अपने, तो ये अपना ये वीडियो दूसरा पार्ट में आया होगा, आपको मिला होगा, और एवरी डे वीडियो आपको 7 बजे मिल रहा है मेरा। वीडियो कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और हर महादेव कमेंट में ज़रूर करें। दोस्तों आ चुके हैं अपन उकर्षेश्वर टेम्पल के जस्ट पास में। बचपन में आया था, लगभग मैं 7th या 8th में था, तब तो यहाँ पर पूरा अलग था। अभी इधर ऊपर छाया वाया बन गई है, और पूरा सिस्टम वगैरह सिस्टमेटिक हो गया है। तो जाते हैं उकर्षेश्वर जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और देखते हैं आगे क्या सीन है।
दोस्तों फाइनली महाकाल के दर्शन हो चुके हैं अपन को, और बहुत सारी गर्मी थी, बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पर, और फिलहाल दर्शन हो चुके हैं। और एक और महादेव है, वहाँ जाते हैं अपन दर्शन करने के लिए, और फिर वहाँ से जाएंगे अपन शायद इंदौर, निकलेंगे यहाँ से। सो दोस्तों अभी अपन है ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो लोग बोलते हैं कि रियल में जो ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पर है, जो बड़ा ज्योतिर्लिंग वो यही गिना जाता है, पर लोग ज़्यादातर ओंकारेश्वर महादेव जाते हैं, और इसी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो फिलहाल अपन यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं, आई होप सो यहाँ पर भी एक फोटोशूट मिल जाए आपको, आई होप सो, ट्राई करते हैं मिल जाए तो। तो दोस्तों अभी अपन बैठे हैं एक घाट के ऊपर, मस्त व्यू है, पानी शायद यहाँ पे कम है, बारिश शायद यहाँ पे कम हुई है, और पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है, मेरी वो नावें वावे है इधर साइड पर देखिए आप, ये तो यहाँ पे नावें वगैरह चल रही है, और सामने आप देख रहे हो वो है ओंकारेश्वर जी का मंदिर, और इधर है लक्ष्मण झूला जो यहाँ का फेमस है, और जब मैं छोटा था तब यहाँ पर आया था तब यहाँ झूला थोड़ा हिलता था, अब थोड़ा सही हो गया लग रहा मेरे को, थोड़ा काम वाम करा देंगे वहाँ पर। और ये पूरा यहाँ का व्यू है, और ये मैं थक चुका हूँ पूरा यहाँ से, अब यहाँ से अपन जाएंगे इंदौर के लिए, इंदौर में है आपके लिए एक सरप्राइज जहाँ अपन रहने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो बन रही है, और वीडियो में क्या कमी रही वो मुझे आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूँ, और अगले जो ज्योतिर्लिंग है उसमें आपको मजा सके और कुछ जानकारी मिल सके आपको। और जैसे पीछे जो है ममलेश्वर टेम्पल है वहाँ पर अपन जाके आएंगे अपन, और एक सामने जो है ओंकारेश्वर जो मेन ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योतिर्लिंग उधर भी है, तो दो ज्योतिर्लिंग अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और तीसरा ज्योतिर्लिंग देखते हैं कौन सा अपने सेट होता है, कौन देखते हैं पूरा सीट।